वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन आर सी सी रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट डिजाइन इन दिस लेक्चर वी विल सी वॉट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वॉट इज द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय आई एस कोड फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन और वट इज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विच इज अलाउेबल बाय आवर आई एस कोर्स ओके ना वॉट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्लेक्शन तो जनरली क्या होता है कि जब भी लोड आता है तो हमारा मेम्बर डिफ्लेक्ट होता ही है देर इज़ नो इश्यू और हम मेंबर को या स्ट्रक्चर को डक्टाइल डिजाइन uh, करते हैं इसलिए देयर इज ऑलवेज सम डिफ्लेक्शन लेकिन दैट डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी विजिबल बाय आई विजिबल बाय आवर नेकेड आइज़ मीन्स विदाउट एनी मशीन हमारे आईज़ से अगर हम देखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन विजिबल नहीं होना चाहिए राइट right? तो उसके लिए कुछ आई कोड ने क्लॉजेस दिए अब पहला क्लॉज उनका कहना है कि फाइनल डिफ्लेक्शन फाइनल डिफ्लेक्शन यानी जब हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं तो फुटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं बीम और स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं बाद में हम वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट और उसके बाद वहां पे फर्नीचर आता है यानी लाइव लोड आता है ऑक्यूपेंसी आती है राइट तो ये सब आने के बाद सब ह्यूमन बीइंग्स और लाइव लोड और डेड लोड सब आने के बाद फाइनल डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए स्पैन बाय ट्वेंटी अभी स्पैन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इफेक्टिव स्पैन क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है तो इफेक्टिव स्पैन बाय टू मैक्सिमम कितना रहना चाहिए इफेक्टिव स्पैन बाय टू राइट यहाँ पे दिया इसमें क्या क्या कवर होता है इसमें कवर होता है कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू सभी लोड्स जितने भी लोड्स आ रहे हैं कौन से कौन से लोड रहते हैं डेड लोड लाइव लोड विंड लोड अर्थवेक लोड स्नो लोड्स राइट और स्पेशल लोड्स ऑल्सो इसमें कवर होता है ड्यू टू टेम्परेचर ड्यू टू क्रीप ड्यू टू श्रिंकेज ये सभी फैक्टर्स भी इसमें हम हमारे कवर हो रहे हैं तो ये सभी फैक्टर्स को मिलाने के बाद और सभी लोड स्ट्रक्चर पे आने के बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो स्पैन बाय 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है अब सेकेंड बोला है उन्होंने डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज ऑकरिंग आफ्टर इरिक्शन ऑफ पार्टीशन एंड अप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज शैल नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 350 फिफ्टी और ट्वेंटी एम इनका कहना है कि जैसे हमने फुटिंग बीम कॉलम स्लैब कंस्ट्रक्ट कर लिया उसके बाद हमने पार्टीशन वॉल्स भी कंस्ट्रक्ट कर लिए प्लास्टर भी कर लिया पूरा फिनिश कर लिया लेकिन अभी स्ट्रक्चर इज एम उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है या फिर उसमें से कुछ भी लाइवलीवुड नहीं है राइट right? कोई भी ऑक्यूपेंट नहीं है तो वो कंडीशन में कितना अलाएबल दिया है उन्होंने वो कंडीशन में उन्होंने अलाएबल दिया है स्पैन बाय 350 और 20 एम एम एवर इज लेस तो कोई भी केस में ट्वेंटी एमएम mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए व्हेन द बिल्डिंग इज एम टी उसके बाद उन्होंने बोला है फॉर बी मैन स्लैब द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट मे जनरली बी अज्यूम टू सेटिस्फाई द प्रोवाइडेड स्पैन टू डेप्थ रेशियो एज अंडर दिस ओके तो अभी जब भी हम स्लैब और बीम डिजाइन करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम्स अंडर विच क्राइटेरिया सर्विस क्राइटेरिया राइट तो क्या करेंगे हम बीम को डिजाइन जब करेंगे तो उसके उसको डिजाइन करेंगे बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के लिए वो कैसे आता है जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स आता है तो डिजाइन हम उसके लिए करेंगे और उसको चेक करेंगे सर्विसेबिलिटी में कि हमारी जो सर्विसेबिलिटी है उसके ऊपर तो नहीं जा रहा है राइट right? तो कैंटिलीवर में जो इनिशियल डेप्थ हमें जब जज करनी है तो कैंटिलीवर के केस में स्पैन बाय डेप्थ रेशियो है वो कितना होना चाहिए सेवन यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कैंटिलीवर बीम दिया है अगर एक कैंटिलीवर बीम दिया है और उसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल सेवन हंड्रेड एमएम ठीक है तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई डेप इन इज इक्वल टू सेवन राइट तो डेप्थ को हम उधर लेके गए सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई सेवन इज इक्वल टू डेप तो ये कितनी हो जाएगी हंड्रेड एम एम राइट तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट दिस वन सो सिमिलरली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो उसके लिए कितनी दी है ट्वेंटी और अगर कंटिन्यूस बीम है तो उसके लिए दिया है ट्वेंटी सिक्स तो ये अभी हमें ध्यान में, में रखना है और इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि कैंटिलीवर के लिए कम क्यों दिया है सिंपली सपोर्टेड के लिए ट्वेंटी है बीच में है, और कंटिन्यूस के लिए सबसे ज्यादा है ट्वेंटी सिक्स क्यों दी है ठीक है तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्यों रहता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए अगर स्पैन जो है वो टेन मीटर से ज्यादा है ठीक है अगर टेन मीटर से कम स्पैन है तो हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे ये वाले क्लॉज लेकिन टेन मीटर से ज्यादा है तो वो केस में क्या करना है ये जितने भी वैल्यूज है सेवन ट्वेंटी और ट्वेंटी सिक्स इसको आपको मल्टीप्लाई करना है टेन बाय स्पैन से ओके मल्टीप्लाई बाय टेन बाय स्पैन उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रेनफोर्समेंट या स्टील इन टेंशन एरिया टेंशन एरिया मींस जहां जब हम कोई भी चीज को बेंड करते हैं तो बेंड करने के बाद एक साइड में टेंशन रहेगा और एक साइड में कॉम्प्रेशन रहेगा तो टेंशन एरिया में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो, हमारे जो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो दिए स्पैन बाय डेप्थ रेशियो फॉर कैंटिलीवर इज सेवन फॉर सिंपली सिंपलीपोरेटेड बीमेस ट्वेंटी फॉर कंटिन्यूअस बीमेस ट्वेंटी उसको हमें मॉडिफाई करना है विथ मॉडिफिकेशन फैक्टर और उसके लिए ये ग्राफ दिया है जिसके y एक्सिस पे मॉडिफिकेशन फैक्टर दिए जीरो जीरो पॉइंट फोर टेंशन रेनफोर्समेंट दिया है ठीक है अभी इस पे से हमें क्या कैलकुलेट करना है fs कैलकुलेट करना है fs कैसे कैलकुलेट करोगे जीरो पॉइंट फाइव एट इन एफ वाई एफ वाई मीन्स इल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील फोर वन फाइव टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड लाइटेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इनिशियली हम दोनों को सेम कंसिडर करके सिर्फ एफ आई एफ एस का फॉर्मूला ले सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव एट एफ वाई एक बार हमें एफ एस मिल गया तो हमें ये एक एफ एस की लाइन चूज करनी है और परसेंटेज ऑफ स्टील चूज करना है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए वहां पे हम कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल एफ एस आ गया हमारा टू फोर्टी और परसेंटेज ऑफ स्टील है जीरो पॉइंट फोर तो जीरो पॉइंट फोर और टू फोर्टी कहाँ पर क्रॉस हो रहा है यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो ये लाइन हम ले लेंगे सो so ये वन पॉइंट टू है तो ये कितना रहेगा 1.4 पॉइंट फोर एंड दिस इज वन ये इसके बीच में आ रहा है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है हमारा वो कितना है 1.3 ठीक है तो इट इज वेरी सिंपल फिर हम ये मॉडिफिकेशन फैक्टर से हमारे जो वैल्यूज है उसे मॉडिफाई कर लेंगे सिमिलरली डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्रेशन एरिया वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई दो मॉडिफिकेशन फैक्टर तो उसके लिए भी ग्राफ दिया है देन फॉर फ्लेंज बीम फ्लेंज बीम जो रहते हैं फ्लेंज बीम में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बीम है लाइक like इसे हम टी बीम या आई बीम भी कहते हैं सो दिस इज बीम हियर दिस इज बीम और ये साइड में जो है दिस इज स्लैब तो हम ये जो स्लैब का इतना एरिया है यानी स्लैब के जो फ्लेंजेस है उसे हम कंसिडर करते हैं बीम में सो so दैट कि हमारी बीम की जो डेप्थ है वो कम हो जाए तो हम स्लैब uh, का भी सपोर्ट लेते हैं तो उसे कहते हैं फ्लेंज बीम तो फ्लेंज बीम के केस में हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको Hope you have understood uh, about the deflection thank you